आइए आपको अब सीधा रुख कर आते हैं राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह का, जो इस वक्त जयपुर में आयोजित हो रहा है। ये कैसा मॉडल बनाए हम, प्रधानमंत्री मोदी जी मांग कर रहे हैं कि जमाना बदल गया है, 21st सेंचुरी में आ गए हैं। दुनिया के विकसित राष्ट्र जो है सोशल सिक्योरिटी देते हैं हम अपने वहाँ पे नागरिकों को, उनका कोई भी परिवार तकलीफ में नहीं है फाइनेंशियली, बेरोजगार भी है, ओल्ड भी है। हमने भी यहाँ 1 करोड़ लोगों को मैं पेंशन दे रहा हूँ राजस्थान के अंदर, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निश्चयजनों को, और वहाँ तो सिस्टम बना करके पूरे परिवारों को सोशल सिक्योरिटी मिलती है, वीकली पैसा मिलता है। तो ये सोशल सिक्योरिटी है, गांव हेल्थ जो है, जैसे डॉक्टर मनमोहन जी ने के वक्त में, सोनिया गांधी के वक्त में जो कानून बना के अधिकार दिए गए थे, जिसमें राइट टू एजुकेशन भी, राइट टू फूड भी, दूध भी किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, रातों में 1 रुपये किलो गेहूँ दे रहे हैं, RTI जो दुनिया में कहीं नहीं था, ट्रांसपेरेंसी के लिए नरेगा, आज जितने लेवल पहले चले और सब में गवर्नर तो रोजगार मिल गया। तो ये तो लंबी बात है कि मैं कार्यता करना चाहूँगा, हिंदी जो है इसको मैं जो पार्लियामेंट था तब से देख रहा हूँ, ये हिंदी जो है भाषा के नाम पे तो आप देखते हैं कि अभी भी साउथ के अंदर आपने कटपुतली देखा होगा, अभी भी वहाँ हिंदी को वो समझते, पता नहीं क्या हो जाएगा। भाषा ऐसी चीज़ें जो जोड़ती लोगों का आपस में, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी भाषा पे गर्व करें। मेरे पूर्वकर्ताओं ने, गोयल साहब ने, शर्मा जी ने सबने अच्छी बात कही कि इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आना चाहिए, ये बात ठीक कही गई है। पार्लियामेंट के अंदर मैं गया हस्ती के अंदर, आज तुम बच्चों को इंग्लिश स्कूल खोल रहे हैं तो मैंने अनुभव किया कि बच्चों से मिलता हूँ, छोटे बच्चों से अच्छी इंग्लिश बोलने लग गए हैं। कई बार आपका वीडियो भी आता है, आप देखिए 10 साल के बाद में आके राजस्थान के बच्चे देश के अंदर इंग्लिश को लेकर फ्रेंकली इंग्लिश बोलेंगे, और इंग्लिश का मतलब है आप जुड़ जाएंगे कंप्यूटर से, हालांकि हिंदी के उसके अंदर प्रोविजन आ गए सब तरह से, पर फिर भी आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। और अमेरिका में और सब जगह हमारे जो नौजवान जाते हैं वहाँ वहाँ तहलका मचाए हुए हैं, जब अब ओबामा को कहना पड़ा प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका को, अमेरिका के नौजवानों को, आप लोग समझ जाओ वरना हिंदुस्तान के नौजवान आपसे आगे निकल जाएंगे। वो इसलिए इंग्लिश के माध्यम से कि उन्होंने कंप्यूटर में IT में एक्सपर्टाइज कर रखी, तो मैं चाहूँगा कि इंग्लिश पे हम पीछे क्यों रहे। हिंदी मातृभाषा है, मैं भी इंग्लिश नहीं बोल पाता था बचपन से, अभी तक भी नहीं बोल पाते हैं, टूटी फूटी बोले काम दिलाते हैं, टूटी फूटी बोल के समझ लेते हैं, इतने काम चलता हमारा, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए। मैं 50 साल राजनीति कर रहा हूँ, 40 साल 42 साल मेरे पार्लियामेंट में गए हो गए, 3 बार मैं केंद्रीय मंत्री रह लिया इंदिरा गांधी जी के साथ में, राजीव गांधी के साथ में, नरसिम्हा राव जी के साथ, 3 बार में मेरे AICT का महामंत्री रह लिया या पूरे देश के लोग आते हैं, 3 बार में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह लिया, और 3 बार में आपके गाँव से मुख्यमंत्री। तो मैंने कभी ये कॉम्प्लेक्स मेरे दिमाग में नहीं आया, जब गया पहले पार्लियामेंट में देखा कि सब लोग इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, और कॉम्प्लेक्स होता है कि यदि विद्वान वही हो, जबकि मैं आपको बताऊं अंग्रेजी बोलने वाले जो अगर आप उन्हें हिंदी करो उनकी भाषा बादलों की, तो हिंदी बोलने वाले बादलों को आप अगर समझो कंपेयर करो तो हिंदी वाले ज़्यादा कंटेंट देते हैं, ज़्यादा अच्छी बोल पाते हैं, ज़्यादा भावना प्रकट कर पाते हैं। कॉम्प्लेक्स ऐसा हो गया देश के अंदर इंग्लिश को लेके, और ये ठीक आ गया
पांच लोग बैठते हिंदी स्पीकिंग वाले, उनको तो कम से कम हिंदी बात करनी चाहिए, वो भी इंग्लिश बोलने लग जाते आपस के अंदर, वो सबसे बुरा लगता है। मैं तो टोक भी देता हूँ नेताओं को, तो भाई मुझे यहाँ बैठा नहीं बैठा बता दीजिए, तो वो हिंदी शो करता। अरे तुम हिंदी स्पीकिंग मध्य प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, झारखंड क्या हो, बिहार के हो, यूपी के हो, अरे तुम कोई इंग्लिश बोलते हो भाई? हाँ, इंग्लिश वहां बोलने की कोशिश करो जहाँ आगे वाला समझ नहीं पा रहा है। दक्षिण का कोई है मान लीजिए, तो आप उसकी सुविधा के लिए हमारे नेता लोग भी आधा भाषण हिंदी में देते, आधा भाषण इंग्लिश में देते, जिससे कि पूरा देश में एक मैसेज जाए कि देश पूरा सबका है। तो सबकी भाषाओं का, सबकी भावनाओं का आदर करना पड़ता है, उसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं नेता हिंदी में। पर ये जो स्थिति है, मैं समझता हूँ कि आज ये आप लोग जितनी बड़ी तादाद में आए हो, आप सब सम्मानित होंगे, मैं तो कह सकता हूँ आपको कि आप और हमें कोई फर्क नहीं है, नो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, मजबूती के साथ में आप लोग आगे बढ़े और आपके सामने खड़ा है हिंदी बोलने वाला, जिनको सब कुछ उपलब्धि प्राप्त हुई है, आप मेरे भी सब उपलब्धि प्राप्त कर सकते, जो सपने देखोगे आप सबसे पूरे होंगे। बाकी तो ये विषय ऐसा है कि बोलते जाओ, पर मैं समझता हूँ कि आजकल तो ये वो वर्ड फाइल और एक्सेल सारे कुछ ऐसे आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मोबाइल आपको इंग्लिश सिखा देता। वो भी मैंने देखा है कि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, तो आप जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब कुछ है, मैं गाने बहुत सुनता हूँ, ओल्ड गाने 50 के दशक के 60 के दशक के, आप वाले नहीं, वो मेरे समय बात नहीं है, 90 के या क्या कहते हैं उसके बाद के गाने मेरे समझ नहीं आते, जो आजकल जो आधुनिक गाने जो है वो आधुनिक पीढ़ी के लिए है, तो मुझे गाने का बहुत शौक है। तो मैं मेरे बचपन के जो गाने थे या उसके पहले की आज़ादी के बाद की, जब ब्लैक एंड वाइट होती थी पिक्चरें, उस जमाने से लगा करके मैं 70 तक 80 के पहले पहले के गाने सुनता हूँ। कहना मैं चाहता हूँ उसमें भी मैं जब गाने सुनता हूँ या सिंगर के या जिस एक्टर के, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे और गाने प्रोवाइड कर देती है मोबाइल के अंदर, यूट्यूब के अंदर, सती मुझे ढूंढने नहीं पड़ते हैं, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसलिए इतना बड़ा क्रांति मैंने कहा है माइक्रोसॉफ्ट ने और की है, ये कोई कम नहीं किया आप लोगों ने, आप लोगों की वास्तव में बिल गेट बधाई के पात्र है जिसने शुरुआत करी। तो आप बस यही बात मेरी कहनी थी, आप सब जो सम्मानित होने वाले हैं, सम्मानित हुए हैं हमारे डॉक्टर गर्ग और डॉक्टर कावरा जी, इन सबको बधाई है, आप सबको बधाई, मेरी शुभकामनाएं आप सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और